मेरे घर दो मेहमान आए हुए हैं। मेहमान, हम मेहमान हैं, मतलब मेरे दो भाई बहन आए हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो इन लोगों को पकौड़े खिला देती हूँ। ऐसा मैं झूठ बोल रही हूँ क्योंकि इन्होंने कहा कि दीदी पकौड़े खाने हैं, तो शुभम की फरमाइश पे बन रहे हैं पकौड़े। ये आलू के पकौड़े बन रहे हैं, ये आलू रखा हुआ है, देख चुके हैं ना वीडियो में हम लोग पहले, तो अब चाय भी बन रही है, चाय भी है मैं चाय बना रही हूँ और पकौड़ा ये बना रही है, ये देख रहे हैं जरा वापस घूमने। हाँ, ये बालों का कलर देखे जैसे वो विदेश में घोड़े एक्सपोर्ट होते हैं ना। हाँ ऐसे ही है। मेरे बाल कैसे हैं? अरे एकदम खतरनाक, मतलब अच्छे टॉप एंगल दे देना। पकोड़े हो गए हैं रेडी, आप सब देखिए लाल चटनी हरी चटनी के साथ खाने। क्या बात है, मुंह में फुल पानी आ रहा है देख के। चलो जी, तो हमारे जिया जी के लिए पेश किए गए हैं स्पेशल पकोड़े। जिया जी वर्क में अपने बिजी हैं। नहीं 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 नहीं, हमारी फुआ जी भी हैं, ये हमारी एक ही बुआ जी हैं, सबसे प्यारी अच्छी, सबको मतलब ऐसी बुआ मिलनी चाहिए, हमारे को छोड़ के किसी को ना मिले। ये देखिए बाकी सब ठीक है। जिया जी, जी आप बहुत बिजी हैं ऐसा कि? मैं अपनी क्लास का कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, मेरी क्लास है 6 बजे 7 बजे और 9 बजे, 3 क्लास हैं, तो इसलिए ये अपनी क्लास का प्रमोशन कर रहे हैं बेसिकली। हाँ जी, तो बाकी चलिए फिर पकोड़े खा के हम टेस्ट करके बताते हैं आपको कि टेस्ट कैसा बना है। बस तुम रहने दो।